लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। सभी पार्टियां प्रचार प्रसार करने में लग गई हैं। वहीं कानपुर देहात की पूर्व दस्यु सुंदरी सीमा यादव भारतीय जननायक पार्टी से मिर्जापुर सीट से केंद्रीय मंत्री अनुसुईया पटेल को टक्कर देंगी। उनका कहना है कि मिर्जापुर की जनता बहुत परेशान है, वहाँ विकास करवाना है। क्या अहम रहेगा, किस पार्टी से आप चुनाव लड़ने जा रही हैं? भारतीय जननायक पार्टी से। किसके मतलब आप किसकी टक्कर वहाँ किससे है? अनुसुईया पटेल जी से। अनुसुईया पटेल जी से आपसे टक्कर है, क्या रहेगा वहाँ पर, मतलब जीतने के बाद आप क्या करेंगे? जीतने के बाद मेरी ख्वाहिश है कि वहाँ पर जो सबसे पहले तो मिर्जापुर में पीतल का खदान था, और आज की डेट में मिर्जापुर में जनता इतनी ज़्यादा परेशान है कि यानी भाजपा वाले लोगों ने उनको कुछ नहीं दिया है। तो हमारी सोच है कि हम वहाँ जब अगर जीत के आएंगे तो वहाँ पर पहले नंबर तो दो फैक्ट्री खुलवाएंगे जिसमें रोज़गार नहीं है। जब इंसान को रोज़गार मिलेगा तो वो चैन से अपने परिवार को पालेगा और अपने दो वक्त की रोटी कमा के खाएगा। जब रोज़गार ही नहीं है तो जनता तो परेशान होनी ही है। अच्छा, वहाँ की जो जनता है, वहाँ एक तरफ आपके सामने केंद्रीय मंत्री हैं और आप पूर्व दस सुंदरी हैं, क्या आपका सपोर्ट वहाँ जनता कर रही है खुलकर? बिल्कुल खुले में सपोर्ट कर रही है, क्योंकि मंत्री बनने से ऐसा तो नहीं है कि अपना ही पेट भरा जाए। वो मंत्री जरूर है पर उन्होंने जनता के लिए जो रोटी कपड़ा आवास था वो छीन लिया है, तो जनता वहाँ पर बहुत ज़्यादा दुखी है। तो वहीं पर आज कानपुर देहात से पूर्व दस सुंदरी सीमा यादव मिर्जापुर के लिए रवाना हो रही हैं। अब देखने वाली बात यह होगी क्या सीमा यादव का वहां पर लोकसभा चुनाव में पंचम लहराएगा या नहीं। कानपुर देहात से हिमांशु शर्मा, ईटीवी न्यूज।